Okay, so hello everyone, and welcome back to another reaction video. And guys, इस पर लिखा है जेवल का part 10. वैसे बताने की जरूरत नहीं थी शायद ना, because every Wednesday आपको पता है यार जेवल पे reaction आता ही आता है. So guys, चलते चलते 10वां हफ्ता हो गया, 10th Wednesday. और guys, पिछली वीडियो पर हमने लाइक एम रखा था 200, जो कि आपने यार तोड़ दिया, फोड़ दिया. मैं कह रहा हूँ 350 लाइक हो चुके हैं, एंड अभी भी कंटिन्यू से आ रहे. थैंक यू सो मच यार. गाइज, इस वीडियो पर रखते हैं टारगेट 300 लाइक का. ठीक है, वैसे तो 10वीं वीडियो है, 1000 लाइक का बनता है. आर यू कॉमेडी मी? 300 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे. लेट्स गो विद द वीडियो, ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आप. प्रणाम गाइस. स्वागत है आप सभी को बचमे के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में. ये क्या हो गया, चेंज कैसे हो गया अपने रैंडम टीममेट के साथ? और ये सारे पकड़ंडी वाले कोई माइक ही नहीं खोल रहे यार. अरे बाल कटवाना है, रिएक्शन करते हैं. अब आए ना लाइन पे. अरे अरे बोला बोला भाई बोला. चलो अच्छा किया तुमने बोल दिया, नहीं तो अभी मैं बिना मतलब में फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता लड़की समझ के. और भाई बताओ, तीन नंबर क्या हाल चाल है, बीवी बच्चे कैसे हैं? अरे रे 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 रे, बड़ी दुख की बात है यार. फिर भाई साहब डॉक्टर को दिखाया? अच्छा पार्टनर ही नहीं मिली. भाई साहब मेरे को लगा तुम्हारी बीवी है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती. तो भाई साहब हम लैंड करने ही वाले हैं. और यार यहाँ पर हमारा पहले चार नंबर टीममेट की गोटी गायब हो गई है. यार यार देखो भाई साहब, तुम्हारा भाई इस मैच में ऐसा लौंडो को गुदड़ा है ना, ऐसा मतलब ऐसा दौड़ा के घसीट के सर के बल पटक दिए बदतमीजों को. मतलब कि यार आप लोग क्लच देख के आपका दिल प्रफुल्लित हो जाएगा. क्लच मेरा नहीं, जोनाथन का. इस तरह के कलयुग में दो चीजें तो अमर है, एक तो यमराज और दूसरी मेरी पेटी. खैर गाइस, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं. भाई साहब अभी अभी मैंने दो बोट मारे हैं, तो गाइस बुरा नहीं मानना आप लोग. नहीं चलो मान लो, क्या ही करोगे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और क्या करोगे. ओपन चैलेंज दे रहे हो भाई साहब, जो तुम लोग मेरा बना सकते हो बना लो. देखो यार, लोग कहते हैं सहेली और हवेली आसानी से नहीं बनती, मेरा ऐसा मानना नहीं है भाई साहब. मैं कहता हूँ बंदे में दम होना चाहिए, क्योंकि यार सहेली फोन पर और हवेली लोन पर बन ही जाती है. तो गाइस हम बढ़ाते हैं एक कदम अपने, क्योंकि यार बैग में लूट के बिना और रेगिस्तान में ऊंट के बिना मजा नहीं आता. ओ भाई क्या राइमिंग बना रहा भाई. सच में सब कुछ चाट रहा भाई साहब. अरे बस कर भाई. ठीक है भाई, भाई कितना लूटेंगे, क्या हो गया. तुम्हारा भाई अपने देश के लिए कितना कर्मठ और जुझारू है भाई साहब. देश के साथ साथ मैंने रेंगल का भी सफाया करने का विचार बना लिया है. यहाँ पर सफाया का मतलब स्वच्छ. देखो गाइस यार, एक ज्ञान की बात बताता हूँ. देखो भाई साहब, रात में अगर बिजली कभी कदार चली जाए तो यार ना तो शोर करें ना तो सरकार को कोसें, क्योंकि यार अच्छे दिनों का वादा हुआ है, अच्छी रातों का नहीं. तो अच्छे दिन का है, दिन का है भाई. लौंडा हमारा यहाँ से भाग रहा है. अच्छी रातों का है. ठहर जा, अरे आगे 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 भाई आगे. प्रो प्लेयर तो नहीं है भाई, तो अगर तू प्रो होता तो इतनी दूर तो नहीं आता. नूबे फिर भी साले मारने आ रहा है भाई साहब, बोर्ड समझ के आ रहा है मारने. रुको, इसको साले जंप एंड शूट मारेंगे. अबे अबे डैमेज, अबे अबे कहां जा रहा है भाई साहब, इसको उछल के मार रहा था यार. भाई भाई बबर देगा. अरे मैया गलती हो गई, माफ कर दो, मोछा मैं कर दे. भाई भाई हाथ में आ गया था यार, कसम से एकदम डैमेज हो गया था साला. ये चदरोड़ी वाला भाई साहब जंप करने की वजह साला उसी में चढ़ा जा रहा है कूद फांद के. अभी गाइस देखो, हमारे तीन नंबर टीममेट ने हमको रिवाइव दे दी. आप देखो तुम्हारा भाई कैसे इनको मारता है घुस के. नहीं नहीं, आप लोग डर गए होंगे कि भाई आप 0 HP में कैसे मारोगे. भाई साहब तुम्हारे भाई के लिए आम बात है, 0 HP में तुम्हारे भाई ने बहुत बोट मार रखे, इसलिए पहले मार लेता हूं. के बाद जो तेरे तुम्हारा भाई मारेगा ना, वो भाई साहब अब तक का सबसे यूनिक आइडिया रहेगा. तो गाइस यार देखो, सामने से लौंडा आ रहा है, हम किल चुराएंगे. अबे हमारा किल चोरी हो गया. तो गाइस यार देखो, लूटते पाटते हमारे पास से जोन आके चला गया. लेकिन गाइस यार आप लोग टेंशन ना लो, हम भाई साहब पूरे एनर्जी के साथ जा रहे हैं रस करने. आप देखो भाई साहब, हम जजरो पुल से सीधा इधर वाले ब्रिज पे आ जाते. कहे कि यार इधर साइड हमको फ्लेयर चली हुई दिखी थी, वो भी किसी जिंदा लौंडे ने चला रखा है. और यार हर मैच में अगर कहीं भी फ्लेयर चलती तो तुम्हारा भाई उसमें हाथ अजमाने की कोशिश जरूर करता है. हाँ, शुद्ध हिंदी में इसको उंगली करना भी कहते हैं. अभी भाई साहब देखो, बहुत ही शानदार कैंपिंग चल रही है. एक भी लौंडो को भनक नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है. भाई साहब देखो, लौंडे लूट के ले आएंगे फ्लेयर, तो उसमें एडल्बम हमारी गजोरा 3 नंबर की. तो ऐसे कुछ हमारी और 3 नंबर के बीच में डीलिंग हो चुकी है. डायग्राम लेटर. अबे यो कर रहा है भाई, BRTM लेके आ रहा है. अबे BRTM लेके आ रहा लॉल, चतरोड़ी वाले को जिंदा मारना है भाई. काय निर्लज्ज घोरी मानुस है भाई. भाई साहब मौत आ जाए लेकिन ऐसे लौंडों के ऊपर कभी तरस ना आए मेरे को. साला एडल्बम के सपने सजा के बैठे थे, और एक तो गाड़ी ऐसे लेके आ रहा है, साले को उतार भी नहीं सकते. लोहा लठ गाड़ी तोड़ सीधे आते तो हम तेरे को फायर नहीं करते. तू रुक गया वहाँ पर, इसलिए हमने फायर करना शुरू कर दिया. हमको भी महंगाई की चिंता. तेरी मतलब BRTM फोड़ने के चक्कर में हमारा एमो खत्म हुआ, तो साले इस तरह की महंगाई में आर्थिक उत्पीड़न केस कर दूंगा.
भाई साहब देख रहे हैं, एमओ हमको मिल नहीं रही है, उरी साला बीआरडीएम लेके आया है मारने भी, हमको सोचना पड़ रहा है साला मारा इसको मारने में। खैर भाई साहब इसका हमने टकला बजाया है, जा रहे रस करने। एक तो यार हमको पता है कि उसका किल हमको मिलने नहीं वाला, क्योंकि यार दो नंबर हमसे आगे है। बट स्टिल इंग्लिश बोलता है अपन, ध्यान से सुनो, बट स्टिल दो गज की दूरी लूट है जरूरी। गाइस यार अब तो हमने दो नंबर को भी पीछे कर दिया, लगता है हमारा हाथ बैठ सकता है। इंग्लिश करते भाई साहब, भाई साहब इसे कहते हैं चौधरी वाला बटोर लीज भाई, एंड टाइम पे भाई साहब मूली भी एकदम एग्जैक्ट जगह पे किए थे। खैर गाइस लूट लेते हैं, देखो यार लूट के पास भी बढ़िया लूट है। अब गाइस यार हमको इसके पास भी एक फ्लेयर मिल जाती है, वो भी फुल एमओ के साथ एक। तो अब भाई साहब देखो, जब किस्मत फूटी हो तो ऊंटे में खूटी गांडे से कोई मतलब नहीं निकलता। देखो यार भाई साहब हमको फ्लेयर मिली थी उस चीज की हमें खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है हमारा इंटरनेट हक दिया, दोबारा इंटर करे तो कह रहा है यू आर डिस्कनेक्टेड टू लॉन्ग। चार लौंडे छिदा के हमको बाहर फेंक गए, जा रहे उन पर माल हानि का केस दर्ज करवाने। खैर गाइस आज के लिए इतना ही, ज्यादा गेम प्ले हमारे पास था नहीं तो भाई साहब उसके लिए सॉरी, जा रहे गेम खेलने। लगता है हमारे इधर कोई टावर खोल लेके चला गया था, इसलिए भाई साहब हमारे यहाँ इंटरनेट गायब हो गया था। खैर भाई साहब मिलते हैं कल, कल शायद भाई साहब जीटीए की वीडियो आ जाए तो ज्यादा बुरा नहीं मानना। खैर ज्ञान की बात सुन लो, देखो यार ज्यादा फोन हमको नहीं चला, विल बी वेटिंग फॉर दैट राइट, करना चाहिए अगर हमको जीवन अपना खुशहाल जीना है, इसलिए भाई साहब आई विल रिकमेंड फॉर यू एक ही फोन चलाओ। चलो ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन, छोटी छोटी वीडियो थी इस बार, बट यार लाइक तो कर ही देना तुम लोग, वीडियो है भाई, लाइक तो आपका काउंट होगा ही, शेयर भी काउंट होगा, और किस पे रिएक्ट करना है ये बताओ गाइस। बस यार दो हफ्ते और भाई, दो हफ्ते और डेली वीडियो आएगी। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।